Hi guys. Hi guys. Welcome to our channel. This is Ashi. And this is Deepesh. So today is weekend vibes. And we are not going to do anything in weekend days. तो अभी हम लोग जाएंगे बाहर चिकन एग वगैरह लेने के लिए. आज हम लोग गाना रिकॉर्ड करेंगे. गाना मेरा शोर खत्म हो गया. देखो तो मुझे कुछ दिनों से ना लाइक इट्स बिन वन वीक नहीं ऑलमोस्ट वन वीक लाइक सर्दी जुकाम खांसी वगैरह वैसा वगैरह हुआ है. तो अभी राइट नाउ आई एम गेटिंग लिटल बिट बेटर. सो अभी मैं गा नहीं सकती लेकिन तुम गा सकते हो. नहीं बट वी विल ट्राई. वी कैन ट्राई. नो ओके. मुझे जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है लेकिन ये मुझे जबरदस्ती लेके जा रहा है क्योंकि अकेला क्या थोड़ा. तुम बाजार जा रहे हो घूमने नहीं जा रहे हो अकेला. मैंने सोचा था ना गाइस मैं मतलब घर वगैरह सब कुछ साफ करूंगी तब तक ये सामान वगैरह लेके आएगा टाइम भी सेव होगा. लेकिन नहीं इसको मुझे जबरदस्ती लेके जा रहा है. साथ में जाएंगे सब्जी कुछ दिखा तो तुम खरीद लेना मैं कुछ भी खा लूंगा. थोड़ा थोड़ा भूख भी लगा है. चलो फिर चलते हैं. देखो देखो कैसी बातें यहाँ. अगर कहीं भी बाहर जाना होता है ना मुझसे ज्यादा तो यही मतलब खुद को आईने में देखता है. दस बार आईने में देखता है. दस बार कपड़े चेंज करता है. कहीं भी बाहर जाना है तो यही है जो टाइम वेस्ट करता है. मैं कपड़ा हम चेंज करता है बट दिस इज माय कपड़ा नॉट लाइक यू कि सब 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 इधर उधर इधर ना. हम ऐसा नहीं करता है. एक बार हमें ऐसा करा बस खत्म माय जॉब इज डन. हम ऐसा नहीं करता है. हमने नहीं डलता है. नहीं अगर कहीं पे घूमने कपड़ा खोलता है इतना सारा कपड़ा. नहीं है मेरे पास कपड़ा. नहीं बट स्टिल यू डू दैट राइट. शट अप. चलो अपना क्या है अपने को एक कपड़ा पहनना है टी शर्ट पहनना है और जाना है बस. अपने कुछ नहीं बाय. इसको ना ऐसे करने का मन करता है ऐसे ऐसे. हे कंचा को हृदय बोला मोरो को नहीं हुआ तुम्हारा डांस. मो मादल गन 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 कौदा तिमी जुरेली जस्तै नाचना. गुड जॉब. हम लोग ने ये इसको प्लान किया था घर जाने से पहले. नहीं अंदर घर जाने से पहले अरे ये नहीं निकला था तब ये मर गया था. लेकिन घर से आने के बाद हम लोग ने फिर से ऐसे पानी डाल दिया था तो इतना हो गया. और कल तो हम लोगों ने खा भी लिया पका. इस पे फूल भी आ रहा है. एक्चुअली ये ऐसा आना चाहिए था ना. क्यों ऐसा छोटा 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 आ रहा है. स्मेल भी नहीं है. वो प्रॉपर नहीं है ना कंपोस्टर. और वहाँ पे देखिए ये जनाब ने वो मतलब वो क्या है पुदीना को प्लान कर दिया. वो मर गया. मर नहीं गया. इट टेक्स टाइम. इट डज नॉट टेक टाइम. ये मर ही गया. देखो यहाँ पे आ रहा है. यहाँ पे आ रहा है. यहाँ से भी मतलब फ्रेश कहाँ से तो निकलेगा. ये भी नहीं निकलेगा. मर गया. निकलेगा रे. साफ साफ दिख रहा है कि वो मर गया है. क्या बात कर रहा है तुम. ये सूख गया है. मर गया. यहाँ से निकलेगा ना. अरे ये अच्छे से आ रहा है. 25 डेज ना 25-30 डेज आई विल अगेन शो दिस. नहीं आएगा वो. चलो तो आज बहुत बढ़िया मौसम है. धूप लगा है अच्छे से. घर के बहुत ज्यादा पास है हम लोग का मार्केट. मतलब सब्जी वगैरह उतना ज्यादा नहीं मिलता है. बस चिकन फिश फ्रेश मिल जाता है यहीं पे. तो ये जब भी यहाँ पे आता है इसका काम यही है. खुद डालता है बड़ा बड़ा देख के. अंकल अच्छा है ना छानने को मतलब चूज करने को. हम लोग ऑलमोस्ट नहीं ऑलमोस्ट हम लोग एक साल से यही से ले रहे हैं ना. हाँ रेगुलर ही है. अंडा तो हम लोग को रोज चाहिए ही होता है. और ना बर्निंग चाहिए अंकल. और हम लोग ना ये अंडा लेके जाके पहले वॉश करते हैं फिर उसको स्टोर करते हैं. ऐसे ही स्टोर नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा है. आप लोग देख सकते हो तो इसीलिए खुद चूज करता है. अगर चूज करके लाते हैं ना तो इतना बड़ा बड़ा मिलता है. और ये इतना गंदा है इसीलिए हम लोग इसको पहले वॉश करते हैं.
अभी होगा अंडा का वॉशिंग बुलु बुलु। अरे बाप रे स्टीम जूस से करते हो क्या तुम? मेरे को नहीं पता था ये, मेरे को लगा तुम जिस पानी से वॉश करते हो। नहीं इसका जो वो अटक गया है ना इसको ऐसे साफ करते हो। टट्टी मैं अभी अभी देख रहा हूँ, इतना टाइम से वी आर स्टेइंग टुगेदर कभी मैं ध्यान करते हो ना कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने कभी ध्यान नहीं, आई मेरे को पता था कि तुम अंडे को वॉशिंग करते हो बट स्टील जूस से करते हो वो मेरे को नहीं पता था। अगर साफ है तो नहीं करते हो, अगर ऐसा ऐसा कलर वगैरह लगा है तो करते हो। दैट इज नॉट कलर दैट इज टट्टी। हां टट्टी लगा पता है कि तो बहुत गंदा लगता है रखने में। इस तो पीने कौन तेरे सास्ते ये देखो क्या किया इसने, बस टूट गया मुल्क का एक प्लेट कम हो गया। मैं ना ऐसा कर रही थी, ऐसा ऐसा कर रही थी ना तो स्लिप होके यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया देखो। बस इसका डेंडिंग पेंडिंग चल रहा है अब। अरे डोंट लाफ, खुद का मुंह दे टेक अ डीप ब्रेथ अंदर घूम ला, विल गेट रिंकल्स नाम छोड़ दे। तो बस मैंने किचन पूरा साफ कर दिया है, इट्स क्लीन, बस नीचे झाड़ू मारना बाकी है। अभी देखते हैं कि दीपेश क्या कर रहा है। और मैंने अंडा यहाँ पर रख दिया है, ये थोड़ा वेट है इसलिए यहाँ पर रख दिया है। चलो देखते हैं। और ये यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज कर रहा है। हम लोग लाइक ऑलमोस्ट एवरी वीक या 4 to 5 days में चेंज करते हैं, अगर टाइम मिला तो 4 to 5 days में, नहीं तो वीकेंड में। और ये धोने का कपड़ा कौन सा डालूं? वो फ्लावर वाला नहीं, नीचे नीचे नीचे। हाँ बंद कर दो ना कबर्ड को, मैला जाएगा अंदर। पहले मैं स्वीप कर लेती हूँ ना, फिर उसके बाद लगा देना। हाँ ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग एक लाव बना रहे हैं, तो ये मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये अभी डालना बाकी है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कंचा कहाँ पे गया है। ठीक है ऐसे ही करता है, ऐसे ही करता है एवरी टाइम। ये क्या कर रहे हैं इन मिडल ऑफ द लाइक वीडियो, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं। ठीक है और ये क्या कर रहे हैं देखो, मैंने कितने बार बोला है कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि नहीं होगा, फिर से इसने ये मर गया है, फिर से लगा दिया ये वाला। देखो इफ आई प्लग दिस आउट ना, सी इट्स स्टिल ग्रीन, सो ये होगा, इट्स नॉट नहीं cool. होगा होगा रे बाबा, बिकॉज़ पुदीना जो है ना, पुदीना, हां पुदीना जो है ये ऐसा प्लांट है जो जिसको इजीली डेड नहीं होता है। गाइस हम लोग का लंच इज रेडी एंड आई एम ईटिंग ओके। हाउ इज इट? टेस्टी। हम लोग ने बनाया है एक पुलाव जो कि आप लोग को जल्दी ही इसका रेसिपी मिल जाएगा रील पे, तो आप लोग भी जरूर ट्राई करना। एकदम इजी पीजी वीकेंड स्पेशल वाला रेसिपी है। एकदम इजी। कैसे है तेरे साथ सब कुछ इतना आसान कैसे है, तू भी मेरे जैसा पागल नादान
जैसे है, तू हवा जैसे खुल जाता है मुझ में, मुझे अपना घर मिल जाता है तुझ में, कैसे तू ऐसा कैसे है, कैसे 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 है। तो हम लोग ने ना अभी ग्रोसरीज ऑर्डर किया है, क्या है वो? सबसे पहले आता है इधर धनिया, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक रेसिपी में, और उसके बाद आता है टमाटो, फिर से उन लोग ने लाल वो हरा हरा भी डाल दिया, फिर आता है कैरेट, पेल पेल कैरेट, उसके बाद आता है सबसे महंगा लहसुन, I don't know for what reason so महंगा, उसके बाद आता है चीज, and then आता है कॉलीफ्लावर, this is my favorite, तो पत्ता का तुम कुछ कर सकते हैं? हाँ, गुंदर को बना सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। उसके बाद आता है सेकंड महंगा आलू, जो कि 63 रुपीस के जी है अभी, लेकिन हम लोग को मिला है सिर्फ हाफ के जी क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक था। उसके बाद आता है ये सूखा सूखा अदरक, उतना काफी है ना? इतना गार्लिक काफी है, अभी बस जिंजर चाहिए। माना जमाना है, ये ना गार्लिक चिल्ली में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, इसीलिए हमेशा यही गार्लिक छिलता है। जब भी मैं गार्लिक मतलब पील कर ली होती ना, तो ये आके बोलते कि हटो मैं गार्लिक पील करूंगी। और पहले ना पहले ही इसने ये नेल भी इतना लंबा रखा था, तो मैंने जब पूछा ना, तो जब नहीं आई स्टिल रिमेम्बर, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी, सिर्फ ये नेल लंबा था दो साइड का, तो मैंने उससे पूछा कि ये दो नेल सिर्फ क्यों लंबा रखा है, तो उसने क्या रीजन दिया, फर्स्ट ही मिनट में बोला कि गार्लिक पील करने के लिए, लाइक सीरियसली, बट इट्स एक्चुअली हेल्पफुल नो। तो उसके बाद उसने काट लिया घर जाके, उसके बाद ही उसने कट कर लिया और मुझे फोटो भेजा था ना, तो मैंने कट कर लिया बोल के। That was the biggest memory of our first meet. तो हो गया है हम लोग का जिंजर गार्लिक पेस्ट तैयार। और एक बार करो। नहीं मत करो ज्यादा। अभी यहाँ पे बॉक्स निकालेंगे। इसमें स्टोर करके रखेंगे। तो ना डिनर करने से पहले ये सब सब्जी वगैरह फ्रिज में डाल रहे हैं। इसको ना ऐसा ऐसा काम बहुत ज्यादा पसंद है, लाइक मुझे ऐसा वाला छोटा छोटा काम पसंद नहीं है, लेकिन इसको लाइक अरेंजिंग थिंग्स, मतलब मसाला वगैरह अरेंज करना इसको बहुत ज्यादा पसंद है, और इसको बोलना भी नहीं पड़ता है, खुद डाल देता है फ्रिज में। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गंजा, आई गॉट द बेस्ट वन। नो डाउट, तुमने नहीं पाया बेस्ट वन? मैंने भी पाया। तो ऐसा क्या? प्लास्टिक में रखने से जल्दी खराब नहीं होता है ना? खराब नहीं होता है ना डार्लिंग। तो गाइस, कंचा ने ना डिनर में मेरे लिए ये रोल बना दिया था, पनीर रोल, जो कि ये आटे का बना है ना, आटे का बना है, एंड इट इज सो यम, लाइक हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज्यादा टेस्टी होगा, लेकिन इट्स सुपर सुपर डिलीशियस। हम लोग जल्दी इसका रेसिपी शेयर करेंगे रील पे, इंस्टाग्राम पे, यू गाइस मस्ट ट्राई दिस।
हम लोग का आज का डिनर यही हो गया, और हम लोग का व्यू आप लोग को रात का व्यू दिखाती हूँ। देखो मतलब यहाँ से ना इतना मस्त हवा आता है रात को, सुबह को, एनी टाइम नहीं, एनी टाइम। चलो बाइट, वन मिनट करो बाइट। यस टेस्टी, सुपर सुपर टेस्टी। तो गाइस यही था आज का हमारा वीकेंड वीकेंड हम लोग लाइक यूजली ऐसे ही स्पेंड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे ही, हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं। ही इज एंजॉयिंग हिज डिनर, इतना मजे से खा रहा है। पर मैंने बनाया। ओ हो हो हो, ठीक है गाइस यहीं पे एंड करते हैं आज का ब्लॉग। See you in our next video. Bye bye. Love you guys. Good night. Like, share, subscribe, comment. Bye bye.